सो व्हाट्सअप एवरी वन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम जय, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन 2023 के एडमिशन के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो यदि आप भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक अवश्य देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन की, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आप देख पा रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, मैंने आपके सामने ओपन की हुई है। और पीजी एडमिशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको समझना है कि पहले जो एडमिशन होता था वो क्या है, डीयूट के माध्यम से होता था, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम हुआ करता था, उस बेस पर जो है आपके एडमिशन होते थे। और कुछ ऐसा भी था जिसमें मेरिट बेस पर भी एडमिशन देखे जाते थे। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें 2023 एवं 24 के जो एडमिशन होंगे प्यारे साथियों, उसका यहाँ पर एक जो है ऑफिशियल नोटिस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जो है आपको ये नोटिस जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो देखिए ये नोटिस आपके सामने है, यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन फॉर CUET 2023 एंड 24। अब इस नोटिस में क्या बात की गई है, तो आइए सबसे पहले इस पर नजर डालते हैं कि इसमें बात की है क्या की गई है। तो देखिए इसमें जो है, इसमें कहा गया है कि जो एक मीटिंग हुई थी 8 दिसंबर को, मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए ये नोटिस है, आपके सामने आ चुका है, इस नोटिस को गौर से देखिएगा थोड़ा, दोनों के लिए ही है। देखिए ये 30 दिसंबर 2022 को हुआ था, इसमें ये किया गया है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एट्स इस मीटिंग हेल्ड ऑन 8 दिसंबर 2020 को एक मीटिंग हुई थी, जिसमें ये रिजॉल्व किया गया है कि जो अकेडमिक सेशन 2023 एवं 24 में जो एडमिशन होंगे बोथ के लिए बात की गई है, चाहे आपके वो अंडर ग्रेजुएट हों, यानी अंडर ग्रेजुएट की बात की जा रही है, आप बीए करना चाहते हैं या ऑनर्स करना चाहते हैं या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं उस लेवल पर, ठीक है, आपके जो एडमिशन होंगे वो कौन से होंगे, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम के माध्यम से ही होंगे, यानी CUET के माध्यम से होंगे। ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। दूसरी बात इसमें यह की गई है कि इंक्लूडिंग दोज अंडर रिजर्व कैटेगरी एंड माइनॉरिटी कोटा विल बी कैरीड आउट, है ना, सेंट्रली, यानी कि आप चाहे किसी भी मेजर किसी भी कैटेगरी से आते हैं उनको भी इसी में क्या है रखा गया है, ठीक है, इसी में कैरिड किया गया है आपका। तो इस चीज से क्या बात निकलती है सर, इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि जो आपके एडमिशन होंगे 2023 के, ठीक है, 2023 एवं 24 के, वो किस बेस पे होंगे, वो CUET बेस पे होंगे। तो आपको अगर एडमिशन लेना है तो सबसे पहले क्या है, CUET एंट्रेंस एग्जाम की क्या है आपको तैयारी में क्या है लग जाना है। जब आप इस एंट्रेंस को कर लेंगे, जो भी आपकी रैंक बनेगी उसके बेस पर जो है लिस्टें आपकी आएंगी, जिसमें भी नाम आएगा उस बेस पर आप अपना दाखिला ले सकते हो। अब दूसरा सवाल आएगा कि सर ये बताइए एडमिशन की शुरुआत कब से होगी। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर अगर मैं एडमिशन की शुरुआत की बात करूँ तो आप एक चीज देख पाएंगे कि एडमिशन की अगर हम बात करें तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ये दिखाई दे रहा है नोटिफिकेशन फॉर CUET 2023 ये वाला। तो आप देखोगे कि अगर हम इस नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको एडमिशन के फॉर्म कब से फिल किए जाएंगे, क्या पूरी जानकारी के लिए एक नोटिस जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी रिलीज करेगा, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी डिटेल्स जो है वो आपको कहाँ पर मिलेगी, बाकी डिटेल्स जो है वो आपको देखने को मिलेगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो है आपकी NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है वो सारी चीज़ें जो है देखने को आपको मिल जाएगी। तो देखिए ये है NTA की ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, देखिए ये है NTA की ऑफिशियल वेबसाइट, और इस ऑफिशियल वेबसाइट पे देख पा रहे हो, यहाँ पर देखिए सारी यूनिवर्सिटी हैं, ये देखिए दिखाई दे रहा होगा, JNU भी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको DU भी दिखाई दे रहा होगा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अब इसके अंदर में आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका अपडेट्स आएगा, तो ये हमारे अपडेट्स चल रहे हैं लेटेस्ट NTA, इस पर जो है आपको देखने को मिलेगा। अभी देखिए NTA की एग्जाम डेट बढ़ा दी गई है और JEE के भी एडमिट कार्ड आए हुए हैं, तो जैसे ही आपको इस पर रिलीज होगा मैं आपको पूरी जानकारी जो है वो उपलब्ध करा दूंगा। फिलहाल आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और क्या करना है आपको, अपने जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी आप अभी से कर दीजिए, क्योंकि आप हो सकता है 6th सेमेस्टर में होंगे, ठीक है, तो आप इसके लिए कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पर आप देख सकते हो UGC नेट के लिए, ठीक है, बाकी कोई भी अपडेट आएगा मैं तुरंत जो है वो आपको यहाँ पर जो है आप देख पाएंगे कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं अपने चैनल पर आपको उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल आज के लिए इतना ही। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहेंगे, कोई भी डाउट एवं सवाल है तो आप कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं, उस पर वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।